कल राहुल और प्रियंका गांधी के हाथरस में पीड़ित परिवार के घर जाने के बाद आज समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी के नेता कार्यकर्ता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। हंगामा हुआ और लाठी चार्ज की सूचना भी आ रही है। साथ ही घटनास्थल के पास से ही गांव में ही एक पंचायत की खबरें भी आ रही हैं। हाथरस में हो रही इस बैठक में तथाकथित ऊंची जाति के लोगों ने हाथरस कांड में गिरफ्तार आरोपियों के समर्थन में इसका आयोजन किया है। इस दौरान एक आरोपी का परिवार भी सभा में शामिल हुआ। हाथरस में दलित युवती के कथित गैंगरेप और हत्या को लेकर पूरे देश में रोष बना हुआ है, पर इसी के साथ अब इस केस में कई नए पहलू भी उभर कर आ रहे। मुख्य आरोपी संदीप के पिता ने सबके सामने आकर कहा कि अगर उनके बेटे ने कुकर्म किया है तो उसे फांसी दी जाए, लेकिन अगर वह निर्दोष साबित हो तो भी दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाए। पंचायत में आरोपियों के परिवारजनों ने सीबीआई जांच का स्वागत करते हुए नार्को टेस्ट को सहमति दे दी है। साथ ही उनका कहना है कि संदीप और उसके अलावा अन्य तीन आरोपियों को भी गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। केस में बाद में आरोपी बनाए गए 19 वर्षीय लवकुश की मां ने बताया कि घटना वाले दिन लवकुश उनके साथ ही खेत में था, बिल्कुल 2 कदम की दूरी पर, जिसके बाद उन्होंने आवाज सुनी तो वह घटना स्थल पर लवकुश के साथ ही पहुंची। वहीं लवकुश व उसकी मां पीड़िता से महज 20 से 25 कदम की दूरी पर रहे होंगे, जिसके बाद लवकुश ने पीड़िता की मां के कहने पर पीड़िता को पानी लाकर भी दिया था। वहीं इनसे पहले के घटनाक्रम से सब अभी तक अनजान थे कि इससे पहले क्या हुआ था। लवकुश की मां ने भी उनके बेटे का नार्को टेस्ट तुरंत कराने की गुजारिश की है। इसी के साथ बताया गया कि बाद में आरोपी बनाया गया संदीप का चाचा यानी रामू भी घटना के समय गांव में नहीं था। जिस डेयरी में वो नौकरी करता था उसके मालिक ने बताया कि घटना के वक्त रामू काम कर रहा था। 25 से भी ज़्यादा लोगों ने उसे प्लांट पर देखा था। इसके अतिरिक्त इस केस में ऑनर किलिंग का एंगल भी बताया जा रहा है। साथ ही गाँव में दोनों परिवारों की रंजिश की बात भी सामने आ रही है। ज्ञात हो कि मामले के राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने और मुख्यमंत्री योगी के कड़े रुख के चलते प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं और इसी दौरान क्षेत्र से नई नई थ्योरी निकलने से पूरा मामला एक ऊहापोह में फंसता नजर आ रहा है। पुलिस द्वारा शवदाह की शर्मनाक घटना के बाद प्रशासन पर प्रश्न उठना भी लाजमी है। उम्मीद करते हैं कि रोज सामने आ रही नई नई थ्योरी से जाँच प्रभावित नहीं होगी और मृत बालिका एवं पीड़ित परिवार को न्याय मिल सकेगा। आप देख रहे थे TFP न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिए। सभी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट thefourthflood.in को विजिट कीजिए और बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए TFP न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।